नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेख। 13 मई को बिहार में लोकसभा चुनाव का चौथा चरण है। दरअसल बिहार में 5 सीटों पर 13 मई को वोटिंग की जाएगी। वो 5 सीट है मुंगेर, बेगूसराय, उजियारपुर, समस्तीपुर और दरभंगा। तो अब इन 5ों सीटों का सियासी माहौल क्या रहेगा, चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, एलजेपीआर प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हसनैन कैसर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अरुण जी से ले लेती हूँ। जी अरुण जी, क्या लग रहा है, बीजेपी ने तो दिग्गजों को उतारा हुआ है मैदान में, चाहे वो ललन सिंह हो, गिरिराज सिंह हो या नित्यानंद राय हो। तो क्या लगता है आपको, इंडिया गठबंधन अब जो 5 सीटों पर चुनाव होगी 13 मई को, उसमें आप लोग मात दे पाएंगे बीजेपी को? देखिए सवा जी, आपको खुद लगता होगा पूरे बिहार में जो चुनावी तापमान है और एनडीए नेताओं की चेहरे को आप देखिए और पढ़िए, पता चल जाएगा वो बेचैन है। खास करके बिहार में तो कुछ चल पा ही नहीं रहा है, क्योंकि 3 चरण के चुनाव संपन्न हुआ और तीनों चरणों में एनडीए कहीं नहीं, और जिसका परिणाम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री तक लगातार अपने बयानों को किस तरीके से बदल रहे हैं और उनका एजेंडा सेट हो ही नहीं रहा। क्योंकि पूरे देश में जो लड़ाई है जनता बनाम मोदी जी के बीच, मुद्दा बना मोदी जी के बीच, जनता मुद्दे के सवालों पर, जनता जो है बेरोजगारी, महंगाई, तमाम जो जन सरोकार का सवाल है, गरीबी, भुखमरी, तमाम सवालों को लेकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में है खड़ी, और इंडिया गठबंधन के समर्थित जो उम्मीदवार हैं उन्हें वोट दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे या फिर जदयू की बात कर लें, बिहार में 17 साल से नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विगत 10 सालों से केंद्र में, और कह सकते हैं बिहार में डबल इंजन की 10 साल से सरकार। लेकिन बिहार के लिए क्या किया भाई? 2019 के चुनाव में भी बिहार की जनता ने 39 सीट एनडीए को देने का काम किया, बिहार को मिला क्या? 2014 में कई बार प्रधानमंत्री जी बिहार आए और लगातार कई जनसभाओं में उन्होंने बिहार की जनता से प्रॉमिस किया कि बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, बिहार में जो बंद पड़ी चीनी मिल है उसे चालू करेंगे, और देश की जनता से भी जो वादे किए, लंबे चौड़ी लिस्ट है, चाहे 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देने की बात हो, चाहे विदेशों से काला धन लाकर और प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपया देने की बात हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने की बात हो, तो आप देखेंगे तो इन सारे वादे पर फेल्योर साबित हुई, हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। तो मुद्दे इनके पास कुछ नहीं है, गिनाने के लिए उपलब्धियां कुछ नहीं है, न तो बिहार सरकार के पास है, न तो केंद्र सरकार के पास है। आपने देखा 17 साल में एनडीए ने जो नहीं कर पाया बिहार की जनता के लिए, वो 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया। उनका जो प्रण था, जो वचन था कि हम नौजवानों को नौकरी मुहैया कराएंगे, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, सरकार ठीक है नहीं बनी। आपने देखा जब हम सरकार में आए 9 अगस्त 2022
बात को, तो जो यादव जी का प्रण था नौजवानों को नौकरी देने का, आपने देखा 17 महीने में हम हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। सिर्फ शिक्षा विभाग में बीपीएससी के माध्यम से 2,17,000 नियुक्ति करने का काम किया। 2005 से फिर आपके पास आएंगे विनीत जी से सवाल ले लेते हैं। करना चाह रहा हूँ सवाल जी, 2005 से जो नियोजित शिक्षक थे लगातार एनडीए सरकार से डिमांड कर रहे थे कि जो है हमें राजकर्मी का दर्जा दो, और एनडीए में जो डिप्टी सीएम थे उस वक्त सुशील मोदी जी, वो कहा करते थे कि भाई ईश्वर भी धरती पे आ जाएंगे उसे राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जो संकल्प लिया था सरकार बनते ही, आपने देखा महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव जी का जो संकल्प था राजकर्मी का दर्जा देने का, 4 लाख से अधिक जो नियोजित शिक्षक थे उन्हें राजकर्मी का दर्जा कैबिनेट में पास किया गया, और एक छोटी सी मामूली परीक्षा लेके उनको देने का राजकर्मी का दर्जा देने का रास्ता जो है कि क्लियर किया गया। ये ठीक है हमारे, ठीक है अरुण जी फिर आपके पास ये सबका पहले थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दे देते हैं, फिर विस्तार से आप बताइएगा। विनीत जी अगर बात करें समस्तीपुर की सीट को लेकर, तो आप लोगों ने शांभवी चौधरी पर भरोसा जताया है, उन्हें मैदान में उतारा है, और अगर देखा जाए तो आप लोगों की तरफ से दिग्गज लोग मैदान में उतरे हुए हैं, चाहे फिर वो लल्लन सिंह हो या फिर गिरिराज सिंह हो या नित्यानंद राय। तो क्या लगता है आप लोगों को क्या माहौल रहेगा आप लोगों की तरफ से चुनाव में, जो कि चौथे चरण का चुनाव है 13 मई को? नमस्कार सभी को भाई, आपके सवाल के जवाब पे आते हैं। पहले अरुण भाई एक ही चीज को पता नहीं कितनी बार बोलते हैं, एकदम पक गए हैं सुन सुन के, इनके पास पूरा इन्फॉर्मेशन रहता नहीं, आधा अधूरा बात करके आते हैं। अभी कहेंगे कि शिक्षकों को हमने बहाली किया है, सैलरी कौन देगा? लालू प्रसाद यादव देंगे कि तेजस्वी यादव देंगे कि बिहार सरकार देगी? बिहार सरकार किसके अंदर काम कर रही है? नीतीश कुमार जी की आपके अंदर काम कर रही है? अरे सोच समझ के बोलिए, बिहार के लिए क्या किया गया है? पूल पुलिया स्पेशल पैकेजेस जो यूपी के बाद नंबर 2 बिहार को मिला है, 80,000 करोड़ केवल 2023-24 की बात कर रहे हैं, वो कहां से आया है? लालू प्रसाद यादव जी पॉकेट से दिए हैं, ये जो चारा घोटाला के दूसरे से दिए। क्या है सभा जी, कि इन लोगों को बोलने की आदत। बौखलाहट में देखिए मुस्लिम आरक्षण का लेके मुद्दा चले हैं, तीनों फेज के 14 सीट हार चुके हैं, चौथे चरण का भी 5 सीट हारेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा है, सारे दिग्गज नेता उतरे हुए, और दिग्गज नेता वो है जो कि जनता के बीच में रहकर काम करते हैं और जनता से सरोकार है, और उनके साथ आशीर्वाद किसका है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी का है। तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो चौथे फेज का भी जो 5 सीट होगा हमारी झोली में आएगा, मतलब 18 हमारे पास और इंडिया अलायंस के पास 0 की और 0 की सवारी करेंगे 4 जून को, ये देखिएगा। चलिए ठीक है विनीत जी, हसनैन कैसर जी का रुख करते हैं। हसनैन कैसर जी अगर बात बेगूसराय सीट की करें, तो कभी वो कांग्रेस का घर रहा करता था, लेकिन अब मैदान में गिरिराज सिंह उतरे हुए हैं बेगूसराय सीट से, तो क्या लगता है आप लोगों को जनता किस पर भरोसा जताएगी? देखिए जनता जो है पूरी तरह से आप इस बात को देख ही रहे होंगे कि विनीत जी अभी बड़ी जबरदस्त बात कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव देंगे टीचर्स को अपनी तनख्वाह। तो कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोजपा के अध्यक्ष वो देंगे या फिर के माननीय प्रधानमंत्री अपने जेब से देंगे, है ना? जाहिर है कि ये हम लोगों के टैक्सों से दिया जाएगा, और वो टैक्स चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे वो उसको पूरेगी। इस तरह की वक्तव्य देना जो है बहुत ही अब तो ट्रेंड सा बन गया, क्योंकि इनके जो रहबर है, इनके जो मानने वाले हैं, वही उल्टी सीधी बातें कहते हैं जिनको ये पूज्य कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री। ये तो देखिए कभी कहते ये पढ़ते नहीं है, बोल रहे थे अभी, जरा सा इनका सुनिए, ये पढ़ते नहीं है। तो दरअसल कल का अखबार और परसों का अखबार जो भारत के मीडिया तो क्या बोल रही है अब तो पता ही है, लेकिन बाहर के अखबारों में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में क्या लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जो पीएम मोदी हैं वो लिंक है उनका मास रेपिस्ट के साथ। ये टाइम्स के अखबार में जरा सा पुल ले, ये पहले ये बड़ा दिखाते, उसके बाद दूसरे अखबार में जो है जेरूसलम पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये लिखा गया है
के पीएम मोदी मर्यादा बात कर रहा हूँ, मैं शो करूंगा, सुनिए मर्यादा बाद में कीजिएगा, मर्यादा मतलब लिखा हुआ आपका पढ़िए, गलत मैं आपकी तरफ बेबाकी बातें नहीं करता हूँ, बीच नहीं समझा गया तो मेरे सुनिए अरे बात सुनो यार, पहले हल्ला करने से पहले सुनो, पहले सुनो जुमले बाजू की बात, पहले मेरी बात सुनो, पहले मर्यादा के अंदर रह के बात कर रहे हैं, मर्यादा ही में रह के बात कर रहे हैं, जिसके बारे में किसी को कुछ समझ नहीं आएगा अगर आप लोग ऐसे आपस में बोलेंगे। अगला सवाल राकेश पोद्दार जी से लेते हैं। राकेश जी आप, राकेश जी आवाज आ रही है आपको? नेटवर्क का प्रॉब्लम है, शायद कुछ टेक्निकल इशू है। अरुण जी की तरफ चलते हैं। अरुण जी, जैसा कि पहला चुनाव हो गया, दूसरे चरण का चुनाव हो गया, तीसरे चरण का चुनाव हो गया, चौथे चरण का चुनाव होने वाला है, तो क्या कुछ खास तैयारी है इन 5 सीटों को लेकर आप लोगों की? देखिए सवा जी, जनता तैयार बैठी है इन जुमलेबाजों को सबक सिखाने के लिए। कब तक बिहार की जनता को मूर्ख बनाएंगे? अब तो ये लोग मुद्दे की बात तो करते नहीं है। प्रधानमंत्री जी को तेजस्वी यादव जी ने सड़क पे ला दिया, पटना आ रहे हैं सत्संग करने, खास प्रधानमंत्री जी आपने जो देश की जनता से, बिहार की जनता से प्रोमिस किया था, अगर उसका 25% भी पूरा कर देते तो आज आपको रोड शो करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतिहास में पहली बार बिहार किसी भी प्रधानमंत्री जी को, खास करके मोदी जी को, पाटलिपुत्रा की धरती पर दंडवत करना पड़ता है। कितना दुर्भाग्य की बात है, रोड शो करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी आप अपने उम्मीदवार के लिए क्या क्या आप करेंगे? और लगातार सभा जी देश की जनता देख रही है, और विनीत भाई अभी बोल रहे थे तो मुद्दे की बात तो अब करनी चाहिए ना। विनीत भाई आप तो, आपके श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी हैं, और अभी कितना बहुमते के साथ बीजेपी के गोद में हैं, तो आरक्षण की गुहाई करते हैं, मुस्लिम आरक्षण की बात तो संविधान थोड़ा सा इधर उधर मत करिए, अपने नेता को ही पढ़ लीजिए ना। श्रद्धेय रामविलास जी हम सबों के नेता थे, उनके भाषण को पढ़ लीजिए। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर चरण में, चाहे मंगलसूत्र की बात हो, चाहे मुस्लिम जनसंख्या ग्रोथ की बात हो, चाहे भैंस की बात हो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है आज, और पूरा दुनिया की निगाह हिंदुस्तान पर है, और प्रधानमंत्री जी इस तरह की छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं, और मर्यादित भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, अंतरहीन भाषण दे रहे हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं था। अब तो अपने मित्रों को भी घेरे में वो ले आए, अदानी अंबानी जी को भी, उनके मित्र हैं। वो कल किसी सभा में बोल रहे थे कि अब टेम्पो से काला धन पहुंचा रहे हैं। चलिए अरुण जी, ठीक है, फिर आपके पास आएंगे। राकेश पोद्दार जी, सवाल ही अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं, यह बताइए देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, देश पार्टी और एनडीए की सरकार है, और उसके सरकार उसके नाक के नीचे टेम्पू से उनके मित्र, उनके विपक्षी को काला धन पहुंचा रहा है, क्या कर रहा है ईडी, क्या कर रहा है सीबीआई भाई, क्या कर रहा है विधि व्यवस्था भाई, तो इसी से आप समझ सकते हैं कितने फ्रस्ट्रेशन में ये लोग सरकार से बाहर हो चुके हैं।
तीन चरण के चुनाव में ही देश की जनता ने मैदान से बाहर कर दिया है, इसलिए पुनः दोबारा आने वाले नहीं है, चाहे वो कुछ कर ले। सभा जी ठीक है। अमित जी, राकेश प्रताप जी, अगर बात करें मुंगेर सीट की, तो अनंत सिंह के आने से क्या ललन सिंह मजबूत हो पाएंगे, क्या वो वोट जुटाने में मदद कर पाएंगे? देखिए सभा जी, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन, चाहे हमारे चिराग पासवान जी हो, चाहे पशुपति कुमार पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी, सभी लोग में एकत्रित हुए हैं। दुर्भाग इस बात की सभा जी है कि बहुत दुर्भाग लगता है, हम लोग हमेशा विकास की बात के एजेंडे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो पूरे देश की बात कर लें, चाहे बिहार की बात कर लें। लालू प्रसाद यादव जी 3 मार्च को गांधी मैदान में सनातन और मोदी जी को गाली देने का काम किए। अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी प्रसाद जी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पे कहते कि मैं मटन और चिकन खा रहा हूँ, उसमें दुख कथा में किसी को मिर्ची लगेगा, तेजस्वी प्रसाद यादव उठाते। आज का सवाल, तेजस्वी प्रसाद चुनाव में जा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, संविधान और लोकतंत्र खतरे में। मैं तो कहता हूं विकास की बात कीजिए, लेकिन वो विकास की बात नहीं करेंगे, वो संविधान और लोकतंत्र की बात करेंगे। उसके बाद आप चले जाइए सेम पित्रोदरा, जो कांग्रेस के चाचा राहुल जी के चाचा श्री लालू प्रसाद यादव के, लालू प्रसाद यादव के पुराने मित्र है सेम पित्रोदरा, वो जो कहते हैं, सुनिए आज तेजस्वी प्रसाद जी संविधान की बात करते। अरे भैया संविधान की बात, सभा जी लोकतंत्र की बात करने वाले लोग, 1974 में ही कांग्रेस था, लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेजने का काम किया, इंदिरा गांधी जी ने भेजा, उस समय लालू प्रसाद यादव जी को याद नहीं आ रहा था संविधान की बात। 1976 में इंडिया गेट है, जहां हम लोगों ने कर्तव्य पत्र बनाने का काम किया, उसमें 5,000 साधुओं को गोली से मारने का काम इंदिरा गांधी की, उस समय लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या नहीं हो रही थी। 1984 में सिखों के गले में टायर डालने वाले हैं कांग्रेस के नेता, जो सांसद हैं सज्जन कुमार और जगदीश टैटर जैसे लोग, उस समय संविधान और लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी। 1990 में हिंदुओं के साथ, ब्राह्मण हिंदुओं के साथ कश्मीर से उनकी बहु बेटी की इज्जत लूटते हुए कश्मीर से खाली कराने की बात कही, उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। उस समय क्या प्रधानमंत्री हिंदू नहीं थे, उस समय मुख्यमंत्री हिंदू नहीं थे। अरे आपसे हम विकास की बात करना चाहते, हमसे पूछिए विकास आपने क्या है, आपका एजेंडा क्या है, आपका रोड मैप क्या है, मैं बताऊंगा मेरा रोड मैप क्या है, मेरा एजेंडा क्या, मैं उस पर काम करना चाहता हूं। लेकिन ये लोग देश के माहौल को बिगाड़ने वाले, लोकतंत्र को खतरे में डालने वाले लोग, संविधान की बात करता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, और भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को और किसी व्यक्ति का औकात नहीं है उसको छेड़ देने का काम करेगा। और ये लोग जितने आपके चैनल पर बैठते हैं, यही अमित शाह जी का वीडियो वायरल करते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री होते हुए उनके वीडियो को काट कूट के जोड़ने का काम करते हैं। हम लोग कहते हैं संविधान बचाएंगे, इसमें काट करके जोड़ देंगे, संविधान लूटने की बात करते हैं। हम लोग कहेंगे लोकतंत्र बचाएंगे, ये लोकतंत्र लूटने की बात करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल इनके इंडिया गठबंधन के लोग हैं, क्या जेल के अंदर है, वो क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, दिल्ली के जनता हत्या जनता के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, उस पे सवाल का जवाब नहीं देंगे। आज ये बात करते हैं, हमेशा हम लोग कहते हैं सभा जी कि विकास की बात होनी चाहिए, मेरा एजेंडा क्या है, मैं तो कह रहा हूँ कि सौर ऊर्जा के माध्यम से हम बिजली फ्री देने का काम करेंगे, हम लोगों ने 2 करोड़ लोगों का घर बनाने का काम करेंगे, हम लोग 400 करोड़ रुपया इस बजट में दे चुका हूँ, 4 करोड़ युवाओं को हम लोग आत्मनिर्भर करने की बात करेंगे। हाँ मैं 1 मिनट खत्म करता हूँ सभा जी, आप सुन सकते हैं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रा जी कहते हैं कि मैं 5 करोड़ लोगों को होटल की नौकरी देने का काम करूंगा, सृजन करूंगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग काम में लगे हुए हैं, हम लोग रोजगार देने की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं। मैंने कल आपके चैनल पे खंडन किया था कि आपने कहा 17 महीने में मैंने नौकरी दी, मैंने कहा 17 महीने का इतिहास इनका मैंने बता दिया, 17 महीने मैंने क्या नौकरी दी, वो हमारा वैकेंसी था, एनडी गठबंधन का वैकेंसी था। और जवाब ले लीजिए सवाल जी, अरुण जी जवाब ले लीजिए, इससे पहले हरदयाल जी के पास जाइए, फिर उसके पास आएंगे जवाब लेने। हम हर साल विकास, जब हम नौकरी देने, आपने कहा 17 महीने में नौकरी दी, आपकी सरकार थी क्या 2020 में, हमने वैकेंसी निकाला। चलिए ठीक है राकेश जी, फिर आपके पास आएंगे जी। हसनैन जी, अगर बात करें 13 मई को जो चुनाव है 5 सीटों पर, तो क्या लगता है इन 5 सीटों में से कितनी सीटें आप लोगों के खाते में आएगी?
अनम्यूट कर लीजिए माइक। हाँ पूरी तरह से ये सभा जी, ये पूरी तरह से जो है इंडिया गठबंधन के इस पक्ष में आएगा, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि ये चुनाव जो है सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं लग रहा, बल्कि जनता खुद से भी लड़ रही है। रहा राकेश जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, राकेश जी जरा सा आप थोड़ा सा बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अपने पार्टी से कहीं आपको नोटिस ना जाए, क्योंकि आपके जो लोग हैं जो सीनियर लीडर्स हैं वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, समझ गए। तो ये चीज बता दूं, इन्होंने कहा विकास की बातें, आपने कभी मैनिफेस्टो बीजेपी का देखा होगा सभा जी, तो इसमें हर जो मोदी जी की गारंटी है, हर पेज पे उनकी तस्वीरें दिखाई दे रही है, बाकी क्या दूसरे कोई और लोग नहीं है भाजपा में। आप हमारे जो कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो देख लीजिए, उसमें कितनी अच्छी बातें, रोजगार की एकदम शेड्यूल निकाल दिया गया है कि 30 लाख रोजगार किस किस जो डिपार्टमेंट में किस किस जगह पे कितनी वैकेंसी है, कब जो है नोटिफिकेशन होगा, कब एग्जाम्स होगा, कब उसकी बहाली होगी, ये सारी उसमें इतनी अच्छी मैनिफेस्टो युवाओं के लिए है ये बता दी गई है। और किस और जितने भी जो जो गरीब महिलाएं हैं, जिस भी परिवार की हैं, ये तो जानबूझ के हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, क्योंकि इनका तो उसी से इनका जो पोलराइजेशन होता है, वोट बैंक बनता है, उसमें देखेंगे आपके हर गरीब महिलाओं को जिस परिवार में, चाहे कोई भी अग्री जाति हो, पिछड़ी जाति हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबको गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए का सालाना दिया जाएगा। देखिए इसमें इकोनॉमी कितना जबरदस्त, इसके हिडन एजेंडा है ये कि एक बूस्ट करेगी इकोनॉमी, जो आपने डिमोनेटाइजेशन से, जो आपने देश के सारे जो लोगों के पास जो पैसे थे उसको आपने अपने पास ले लिया, जो उस पैसों को फिर दोबारा देने की बातें की रहे, उस पैसे से लेकर आपने 16.5 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट का माफ कर दिया, क्या आप ये किसानों का माफ नहीं कर सकते थे? तो मेरा ये कहना यहाँ पे है कि ये बूस्ट होगा उससे इकोनॉमी, युवाओं के लिए जो आपने जो युवाओं के किसानों के लिए कहा कि हमने एमएसपी की गारंटी देने जा रहे हैं, आप तो 6,000 रुपया सालाना दे रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनको जो है एमएसपी करेंगे, जो एसपी उनका हक बनता है, उनको जो है आगे बढ़ने के, जो आय दुगुने की आपने बात की थी, आज हम उसको एमएसपी दे करके उनको आगे उनकी आय को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्या ये भूल जाते हैं ये अग्निवीर योजना क्या है? ये बैठे हुए हैं विनीत जी कभी भी हमसे अलग से मिलेंगे तो ये कहेंगे अग्निवीर योजना युवाओं के लिए अच्छी नहीं है, जो 21 वर्ष की उम्र है वो रिटायर कर जाए और सेनाओं से वो ट्रेनिंग लेके आएंगे, उनका क्या भविष्य होगा, कहां उनको लिया जाएगा, रोजगार तो मिलते नहीं है। बहुत सारे हमने बातें की थी, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बातें, कितनी रोजगार मिली, ये दुनिया का सबसे ज्यादा मतलब युवा बाहर होने के बावजूद भी उस युवाओं को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो कहां है इसके, ये बात तो सत्य है, हम भले घुमा घुमा के एक ही बातें कर रहे हैं, लेकिन सत्य आज युवा, चाहे कोई भी किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, सब अपनी बातें कहती हैं। आज जो है युवाओं से मैं मिलता हूं तो कहते हैं जो राहुल गांधी का जो या कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वाकई देश को विकास की तरफ ले जाएगा। तो ये जो है हम इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें जनता पूरी तरह से सहभाग कर रही है, जनता अपना पूरा पूरा योगदान दे रही है, और हम बिहार में 5 ही 5 सीटों जीतेंगे, इसका पुण्य आप ये इस बात को देख लें जो 4 जून को फैसला आएगा। हम चलिए ठीक है अरुण जी, ठीक है अरुण जी, फिर आपके पास आएंगे। अरुण जी अब कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर विनीत जी का रुख करेंगे। देखिए जो चीजें हैं, देखिए हसनैन जी बात नहीं कर लीजिएगा, अरुण जी को मौका दिया है, अभी बोलिए अरुण जी। सभा जी अभी राकेश जी संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे थे, ये बता रहे थे, समझा रहे थे हम लोगों को कहां है संविधान लोकतंत्र खतरे में, जो विपक्ष लगातार संविधान खतरे की बात करती है, लोकतंत्र खतरे की बात करती है, आरक्षण खतरे की बात करते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं राकेश जी, ये संविधान बदलने की बात तो आप ही लोग कर रहे हैं, इनके दर्जनों नेता भारतीय जनता पार्टी के लगातार सभाओं में बोल रहे हैं कि 400 सीट चाहिए हमें, 400 सीट अगर मिलेगी तो संविधान बदला जाएगा, आरक्षण हम बदल देंगे, ये तो विपक्षी नेता नहीं बोल रहा है, तो इस पर प्रधानमंत्री जी मौन साधे हुए हैं, बाबा साहब द्वारा रचित संविधान को बदलने की लगातार संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के सांसद उम्मीदवार आखिर क्यों कर रहे हैं भाई, अगर इस पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी वैसे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, तो इसलिए स्पष्ट है पूरे देश कि लोकतंत्र 10 साल में लहूलुहान हुआ है, आरक्षण पर हमले हुए हैं, आरक्षण हम समाप्त करने की बात नहीं करते,
आपने देखा बिहार में जाति आधारित गणना जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी लालू यादव जी के प्रयास से हुआ तो आपने देखा पर्दे के पीछे से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी कि हर हाल में जाति आधारित गणना नहीं हो, कोर्ट में जाके हैवी डिफीट तक दे डाला। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। आपने देखा होगा मंडल कमीशन, मंडल आयोग का रिपोर्ट जब लागू किया गया, मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो कौन मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल लेकर निकले, किसने रथ यात्रा शुरुआत की, जग जाहिर है पूरे देश में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग या नहीं ही कहें तो अच्छा होगा, भले वोट लेने के लिए आप दलितों की बात कर लें, पिछड़ों की बात कर लें, अति पिछड़ों की बात कर लें, गरीबों की बात कर लें, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के डीएनए में आरक्षण का विरोध है, गरीबों का विरोध है, संविधान का विरोध है, लोकतंत्र का विरोध है। दूसरी बात वो कह रहे थे अभी नौकरी की बात, हम तो पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे हमारी सरकार बनेगी, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि हम 19 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन जी आके अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा किया। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि तेजस्वी यादव जी अगर 10 लाख नौकरी देने की बात करते हैं तो कहां से नौकरी देंगे, कहां से पैसा आएगा, खुले पब्लिक डोमेन में सारी बात है। उन्होंने कहा क्या बाबूजी के घर से पैसा देंगे तेजस्वी यादव जी, एनडीए की सभाजी सरकार बन गई, मात्र 7 MLA अगर और महागठबंधन के पक्ष में जीत जाता तो हमारी सरकार बनती, तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते। अकेले दम पर 32 साल के नौजवान ने एनडीए को धूल चटाने का काम किया। चलिए ठीक है विनीत जी से सवाल ले लेते हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। सभा जी आपने देखा 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक एनडीए की सरकार रही बिहार में भाजपा और नीतीश जी, तो भाजपा को बताना चाहिए ना 19 लाख का जो उन्होंने नौकरी देने का वादा किया तो इतने दिनों में कितनी नौकरियां दी। लेकिन हमारे नेता द्वारा दिया गया जो नौकरी है उस पर ही दावा करते हैं। आप बताइए बीपीएससी ने विज्ञापन निकाला 2,17,000 की नियुक्तियों बीपीएससी के माध्यम से हुआ तो ये अभी बोल रहे थे, इनको थोड़ा सा भी ठीक है अरुण जी फिर आपके पास आएंगे, अरुण जी फिर आपके पास आएंगे, समय की कमी है समझ में। अंतिम बात करके हम समाप्त करते हैं, लालू जी के सरकार ने बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति करने का काम किया और उसके बाद लंबे रास्ते के बाद तेजस्वी यादव जी जब सरकार में आए तो उन्होंने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति करने का काम किया। इतने दिनों से क्या कर रहे थे एनडीए के लोग इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन घुमाने फिराने की बात करेंगे उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। सभा जी बिहार का बच्चा बच्चा जानता है नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, जुमला का मतलब एनडीए, पलटी मार का मतलब नीतीश कुमार, हमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है अरुण जी अब जवाब ले लेते हैं। विनीत जी जैसा कि अब चौथे चरण का चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है और पीएम मोदी की रोड शो भी है बिहार में, वो पटना में रोड शो करने वाले हैं, तो इस बीच तेजस्वी यादव ने एक बयान भी दे दिया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि पीएम चाहे रोड शो कर ले या एयर शो कर ले वो तो जॉब शो करेंगे। क्या लगता है क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नौकरी देने वाले हैं तेजस्वी यादव पे? सर जी जिसको जितना लफाजी करना है करने दीजिए, आएंगे मोदी जी हम 400 के पार जाएंगे, बाकी जो बोलना बोलते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है सभा जी ना कि अगर जिसको नॉलेज नहीं हो ना उसको आप समझा सकते हैं, पर जिसको आधा नॉलेज है उसको समझा नहीं सकते हैं। एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से चीजें जो हैं बिल्कुल ये सही नहीं हो जाएंगी।
पूरा गूगल भरा हुआ है कि मोदी जी सबसे दुनिया के पॉपुलर नेता हैं, और आप कोट करेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स को, जेरुसलम टाइम्स को, जो कि पैसा से स्पॉन्सर क्यों निकालता है, ये हम नहीं कर रहे, वहां की गवर्नमेंट ने उनको डिनाई कर रखा है, बैन कर रखा है, अमेरिका को, अमेरिका ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बैन कर रखा है। अरे भैया 15 साल 1990 से लेकर 2005 तक बताइएगा कि 70 बड़ी कंपनियां और 500 छोटी कंपनियां को बंद करने वाला कौन था? थी लालू प्रसाद यादव थे। टीचर ट्रेनिंग के लिए कितने कॉलेजेस को बंद किया गया? 60,000 टीचर निकल सकते थे एक साल में, सबको इन्होंने बंद कराया। अब ये बात कर रहे हैं यहाँ पे चीनी मिल का, पूछी जा रहा है किसने बंद कराया चीनी मिल। अभी जो 18 चीनी मिल चल रहा है उसमें से 11 चीनी मिल प्राइवेट चला रही है, सपोर्ट कौन कर रहा है? बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो मालूम कुछ भी नहीं है सभा जी, बस एक ही चीज को बोलते रहना है, बोलते रहना, बार बार रिपीट करने से वो बात सत्य नहीं हो जाती। और ये बताता है कि माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का कितना फोकस है बिहार पे, कि हम जानते हैं कि आपके जैसे झूठे लोग जो आएंगे और देश को बदलाएंगे, जनता को बदलाएंगे, इसलिए हमारा विशेष ध्यान यहाँ पे। तो हम एयर शो भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे, मिसाइल शो भी करेंगे, हर शो करेंगे, लेकिन आपको सरकार में नहीं आने देंगे, ये तय बात मान लीजिए। और जहां तक बात कर रहे हैं कैसर भाई कि प्रधानमंत्री आपके भी है, रेपिस के साथ कनेक्शन मत कीजिए, वरना बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तंदूर कांड वाले लोग ये बात नहीं करेंगे, गोपाल कांडा वाले लोग बात नहीं करेंगे हमसे। अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आता तो क्यों नहीं किया गिरफ्तार, क्यों नहीं बुला के लाया, क्यों वेट कर रहे हैं हर चीज के लिए? क्या माननीय प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? सरकार आपकी है और जिम्मेदारी डालेंगे आप। ये लॉ एंड कानून किसके इसमें आता, अंतर्गत आता है? स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, सेंट्रल लिस्ट कैसे हस्तक्षेप करें उसमें? तो उस पर बात नहीं करेंगे आप। मोदी जी आपके हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता जी पिताजी की उम्र के हैं, उनको थोड़ा इज्जत से बात कीजिए बस। थैंक यू। ठीक है विनीत जी, हसनैन जी, विनीत जी तो साफ साफ कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए आप लोगों का खाता तक नहीं खुलने देंगे, और आप भी दावे कर रहे थे 5 सीटों का ही पूछा हमने तो आपने बोला कि 5 में से 5 आपके ही खाते में जाएगी, यहाँ तो 40 सीटें हैं जिसमें से विनीत जी कह रहे हैं कि खाता भी नहीं खुलेगा आप लोगों का। चलिए विनीत जी की बात को हम मान लेंगे थोड़ा सा, लेकिन ये क्या है वो तो वक्त ही सब दिखाएगा। लेकिन वाकई विनीत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री सबके हैं, वाकई हमारे भी हैं, चाहे अग्रे को है, पिछड़े के हैं, दलितों के हैं, आरएसएस के हैं, बीजेपी के हो, और सबके प्रधानमंत्री। इलेक्शंस आते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन क्या ये शोभा देता है कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए भैंस, मुसलमान, मंगल सूत्र, इस तरह की बातें करने की? या ये बहुत, मैं पूछता हूँ विनीत जी से एक प्रश्न, क्या शोभा देता है ये? मेरे ख्याल से विनीत जी भी कभी भी अभी जाएंगे जनसभा में इस तरह की बातें नहीं करेंगे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। दूसरी चीज क्या ये बताएंगे, एक दूसरा प्रश्न क्या, कि ये जो रवाना जो देवेगौड़ा ने जो बाहर गए हैं, भारत के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे गए हैं, ये क्या कर्नाटक सरकार करेगी कि भारत सरकार करेगी? इस बात को करके हम बात को यहाँ पे फिनिश करेंगे। लेकिन हम दूसरी बात को कहना चाहते हैं, राकेश जी ने एक बात और कही थी मुझे कि 407 लाइनें संविधान बदलेंगे। वाकई ये हम लोग, ये क्या इंडिया गठबंधन के लोगों ने नहीं कहा था? आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने किए, और तीसरे पद पे जो आरएसएस के हैं उन्होंने कहा था, उनका वीडियो था 2015 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें मोहन भागवत जी का जो बयान आया था उसमें हम समीक्षा करेंगे इसकी रिजर्वेशन आरक्षण की। ये क्या किसी इंडिया गठबंधन के लोग ने कहा था? ये बात को एक बार घुमाने की बात नहीं, इसी बात को लेकर फिर तेलंगाना ने उन्होंने सफाई देनी पड़ी। क्यों सफाई देनी पड़ी? क्यों सफाई देनी पड़ी? उसके बाद जो इनके जो बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स ने 7 शब्दों में कहा यहाँ पे, इसके हम संविधान को, अगर हमारे पास 407 से जो सीटें आएंगी और 2/3 स्टेट में हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम यहाँ पे संविधान को बदलेंगे, स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा। बल्कि इस पे किसी ने माननीय प्रधानमंत्री का इसके विपक्ष में कोई बयान भी नहीं आया कि हमको क्या करें। तो ये कोई इंडिया गठबंधन के लोग नहीं करें, जो जो इंडिया इंडिया के लोग हैं या आरएसएस के लोग हैं, जो उन्होंने बातें कही उसी बातों को लेकर के हम आप लोगों के बीच में जाके बता रहे हैं। कोई अपने मन से तो मनगढ़ंत बातें कर नहीं रहे हैं। और बाकी हम तो, मेरा मुद्दा है, हमारा मुद्दा जो है सिर्फ विकास की बातें हैं, यहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में, सामाजिक सर्वेक्षण के, सामाजिक न्याय के बारे में है। हम इन सब को लेकर के लोगों के बीच में उतरे, हम आपको नौकरियां देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको महंगाई से मार करेंगे, हम आपको देश की सुरक्षा में करेंगे, इन सब बातों को हर पेज पे। हमारा ये गारंटी कुछ नहीं है, मोदी गारंटी की तरह फोटो नहीं है, हमारा योजनाओं है, आप उसको पढ़ ले, उसको पढ़ के उसके बारे में बातें करें। समय की कमी है, विनीत जी के पास चलते हैं। विनीत जी 10 सेकंड आपके पास आएंगे 10 सेकंड। संविधान की समीक्षा करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है संविधान में कि हर 10 साल पे होना चाहिए, जिसको कि कांग्रेस ने 2 बार हराया था, जरा उसको ही बोल लीजिएगा, जिनका पोर्ट्रेट
भी एक नहीं लगा था सेंट्रल कमेटी में, जिसको कि भारत रत्न भी नहीं दिया गया था। तो ये समझ के बोला कीजिए सभा जी, और ये किसी ने नहीं कहा है कि रिजर्वेशन हटेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी हमारे पास 353 सीट है, अगर बीजेपी का जोड़ दीजिएगा जो कि हमारा सहयोगी है 361 सीट होता है, दो तिहाई बहुमत कितना है 362, एक सीट मैच करना है। क्या अभी हम संविधान नहीं बदल सकते हैं? राज्यसभा में भी हम बहुमत में नहीं बदल सकते हैं? क्या बदला हमने? झूठ का मत डराइए मेरे भाई, यहाँ देश जो है सर्वोपरि होना चाहिए, उसके लिए हम लोग कार्यरत है, मोदी जी उसके लिए कार्यरत। अगर मुझे सभा जी, अगर ये मौका अगर मुझे दे तो मैं एक वीडियो इनको दिखा दूं सारा इनको कि क्या किसने क्या कहा। राकेश मुदार जी के पास चलते राकेश मुदार जी। देखिए सभा जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भाई साहब के जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पहले अपने प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 2000 में पायलट प्रोजेक्ट लाए थे, उन्होंने कहा था कि SC ST और OBC का आरक्षण का दायरा करते हुए एक अल्पसंख्यक, अगर अल्पसंख्यक कहे होते तो मैं उनका समर्थन करता, लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यक के साथ मुस्लिम शब्द जोड़ा था, इसलिए आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक की आपने सरकार पढ़ा नहीं उसको? नहीं नहीं राकेश जी, आपने उसको पढ़ा नहीं है। मैं, नहीं 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 पढ़ा राकेश जी, आप तो देखिए गलत बोलने, गलत बयान के हम सुनने, आपने उसकी पूरे स्टेटमेंट को आप कहेंगे तो मैं आपको मैं भेज दूं, आप अगर कहें तो मुझे स्टेटमेंट को आपने उस स्टेटमेंट का, नहीं गलत बात को नहीं, स्टेटमेंट में आपको मैं बिना कुछ बोले समझा। सभा जी, हमको बड़ी देर के बाद मौका मिल रहा है, सारी बातों को मैं दबा दूंगा क्योंकि मैं सत्ता पक्ष में हूँ, और सत्ता पक्ष का जो प्रश्न बनता है सारी प्रश्नों का जवाब देने का। कर्नाटक में इनकी नव नियुक्त सरकार है, वहां की सरकार क्या कहती है कि SC ST और OBC का आरक्षण का इदारा कम करते हुए कैटेगरी 1 में गलत बोलने से नहीं होगा, हम बीच में बोलते नहीं, देखिए हम बीच में कभी नहीं बोलते, लेकिन गलत बयानबाजी से ये नहीं हो, बीच में राकेश जी आप गलत बोल रहे हैं, गलत गलत बीच में नहीं बोलते। अरे बोलिए सभा जी, CA कानून आ रहा है, CA कानून धर्म के हिसाब से देश का बंटवारा हुआ था, सुन लीजिए, और एक कांग्रेस के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के बोले ना, मैं सभी को घर वापसी करूंगा, हिंदू को, सनातन को करूंगा, जैन को करूंगा, सिख को करूंगा, ईसाई को करूंगा, लेकिन तुष्टिकरण के राजनीति करने वाले कटमुल्ले को इस देश में घुसने नहीं दूंगा। अब सुन लीजिए मेरी बात, जब इस बोलना कहते हैं बोलने की बात करते मैं बोलूंगा, और सुन लीजिए, इन लोगों ने देश की तुष्टिकरण की राजनीति की। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हम विकास की बात करते हैं, आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या बोलते हैं, चार दिन पहले तेज प्रताप क्या बोलते हैं, सेम पिदोदरा क्या बोलते हैं, इसमें इनके बयान नहीं होते, इनके इन्होंने मैं कहा ना 74, 76, 90 की बात, 84 की बात करनी चाहिए। अब रही बात दूसरी, भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का संकल्प है 70 वर्ष के बुजुर्गों को स्वास्थ्य की चिंता हमें करना है सभा जी, और वंदे भारत ट्रेन हम लोगों ने चलाना है, जिसमें स्लीपर भी होगा, चेयर कार होगा, और मेट्रो ट्रेन भी वंदे भारत के माध्यम से चलेगा पूर्व भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत में बुलेट ट्रेन चलने पहले तो अरे सुन लीजिए, अरे लालू यादव के विद्यालय के पढ़ाई करने वाले लोग सुनिए, सुन लीजिए, मैं अपनी बात समय की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे नहीं रखिए, दरअसल अगर चौथे चरण के चुनाव की बात करें तो चौथे चरण के चुनाव 13 मई को है बिहार में, जहां 5 सीटों पर चुनाव होने वाला है। हालांकि इन सीटों का पर नतीजा क्या निकलेगा, जीत इंडिया गठबंधन को मिलती है या फिर NDA गठबंधन को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। नमस्कार।